बालाघाट जिले के युवा मनोज के द्वारा आज बालाघाट नगर में एक साथ तीन जगह पर तीन गायों के साथ में दुर्घटना घटित हुई, जिसमें दो गाय बहुत ही गंभीर अवस्था में है। एक गाय का अज्ञात वाहन के द्वारा पैर टूट गया और दूसरे बछड़े का अंदरूनी चोट में घायल है, जिसे सभी जागरूक युवाओं और बजरंगियों भाइयों के द्वारा गौशाला वारा सिवनी भिजवा दिया गया। आगे क्या लिखूं, आप लोग स्वयं समझदार हैं कि यह किन लोगों की लापरवाही है। घटनाएं घटित होते जा रही है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन और पशु मालिक सचेत नहीं हो पा रहे हैं। लगता है जब कोई बड़ी घटना घटित होगी तभी उनकी आंखें खुलेगी। आज बालाघाट जिला का युवा शासन प्रशासन से निवेदन करता है कि ऐसे गौरव मालिकों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई कर आवारा पशु जो नगर में खुलेआम घूम रहे हैं इनको सुरक्षित जगह या गौशाला में पहुँचाया जाए। रिपोर्टर आशीष भगत। अरे तुम्हें सीखो पकड़ लियो ना मेरे भाई। अभी यहाँ से जस्ट अभी आप यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक गाय का एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पर भी हम सभी लोग बजरंगी भाइयों ने पूरी मदद करके गाय को उठाया, उसकी सेवा किया, डॉक्टर को बुलाया, उपचार करवाया। अभी यहाँ पर तुरंत में आप देख रहे हैं कि अभी भी आपने सूट किया कि गाय को किस प्रकार से कुचल कर यहाँ से वहाँ बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं गौ मालिकों की और प्रशासनों की अनदेखी है। बार बार यहाँ पर सचेत किया जा रहा है कि आप आवारा पशु को उठा करके एक तो गौशाला डाल दीजिए या तो इन गौ मालिकों की लिस्ट बना करके इनके ऊपर कार्रवाई करें, जिसके कारण ये घटनाएं रुक सके। एक कई बार आंदोलन होता है, उसके बावजूद भी बताने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो गांव के मालिक हैं ये लोग कोई भी अपनी तरफ से अपनी गांव को मतलब अपने पोजीशन में नहीं रख पा रहे, जिसके कारण ये आए दिन घटनाएं घटती हैं। हमने कई बार बताया, नगर पालिका को बताया, प्रशासन को बताया, यातायात विभाग को भी हमने सचेत किया कि आप इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास कीजिए, उसके बावजूद भी कोई प्रयास नहीं हो पा रहा है। अगर आए दिन अगर ये घटनाएं नहीं रुकती, आज चलो आज गौ माता को चोट पहुँचती है, हो सकता है कि अगर गौ माता को चोट ना पहुंचे और आवारा पशु के कारण किसी इंसान की भी मृत्यु हो सकती है एक्सीडेंट में, तो मेरा कहना है कि एक तो इन पूरे आवारा पशु को तुरंत में उठाया जाए, गौ मालिकों को बुला करके या तो गौशाला में दे दिया जाए, और अगर गौ मालिकों से अगर यह इनकी गाय नहीं मतलब संभाल कर हो रही है तो वे हमको बताएं, हम एक गाय लेके जाएंगे और भरपूर उसका सेवा करेंगे। और पे किसका भी कपड़ा।